कार्तिक मास की पौराणिक कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा कर, एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे डाल दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे पर बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ऐसा ही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला आया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। उस लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, तुम जाकर उस ब्राह्मण देवता से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से सोने की मोहरे निकली। तब वह सोचने लगी, अरे जिसके घर के आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, अरे रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब तुमने भी ताने मारने शुरू कर दिए। ब्राह्मण ने कहा, अरे तू दरवाजा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का सत्कार किया और आदर सम्मान के साथ अंदर ले आई। अब जब भी ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर तैयार रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग को बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं।
इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसिन ने कहा, यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसिन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसिन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना, बिना नमक की दाल देना, खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। पड़ोसिन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियाँ इतनी जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी सी है। तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसिन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है मुझे। पड़ोसिन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का विड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है ना? तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का विड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। और वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बांधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया, छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर
ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिकेय ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहु बेटा दिए, वैसे सबको देना। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।